आज हम सीखेंगे विजिटिंग अ डॉक्टर, यानी कि किसी डॉक्टर से मिलने जाने पर आप किन अंग्रेजी वाक्यों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप डॉक्टर का अभिवादन करेंगे। समय के हिसाब से आप उसे कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून दोपहर के समय, या गुड इवनिंग शाम के समय। जब डॉक्टर आपसे पूछे कि आपको क्या हुआ है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ सोर थ्रोट, मेरे गले में खराश है, या फिर आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है, या फिर आई हैव अ रनिंग नोज, मुझे जुकाम है, आई हैव अ स्टमक एक, मुझे पेट में दर्द है, या फिर आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। अगर आप डॉक्टर पूछे कि आपको कैसा लग रहा है या आप क्या महसूस कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं माई थ्रोट हर्ट्स, मेरा गला दर्द कर रहा है, आई एम फीलिंग वीक, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, या फिर आई हैव हैड अ लॉस ऑफ एपेटाइट, मुझे खाने का मन नहीं करता। अगर डॉक्टर पूछे कि ऐसा कब से लग रहा है तो आप कहेंगे आई हैव बिन फीलिंग दिस वे फॉर द पास्ट टू डेज, मुझे ऐसा पिछले दो दिनों से महसूस हो रहा है। अगर आपको डॉक्टर से पूछना हो कि बचाव के तौर पर आप क्या कर सकते हैं तो आप कहेंगे व्हाट प्रिकॉशंस कैन आई टेक, मैं बचाव के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आप पूछना चाहें कि इस बीमारी की वजह क्या है तो आप कहेंगे व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस एलमेंट, यानी कि इस बीमारी की वजह क्या है। अगर आपको पूछना हो कि आगे से आप क्या कर सकते हैं कि ये बीमारी ना हो तो आप कहेंगे व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट दिस इन द फ्यूचर, भविष्य में इस बीमारी से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। जब डॉक्टर आपको दवा दे तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स अ डे डू आई नीड टू टेक दिस मेडिसिन, मुझे ये दवा दिन में कितनी बार लेनी होगी। फॉर हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू कंटिन्यू विद दिस मेडिकेशन, मुझे ये दवाइयाँ कब तक लेनी होगी। डू आई नीड टू टेक इट बिफोर और आफ्टर हैविंग अ मील, क्या मुझे यह दवाई खाना खाने से पहले लेनी है या बाद में। जाते जाते डॉक्टर का धन्यवाद जरूर करें, थैंक यू डॉक्टर, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज से जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, तो उनसे जुड़े अंग्रेजी वाक्यों को जरूर याद करें और हो सके तो बोलें।